लेक्चर शुरू हो गया, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नज़्म नंबर 3 बरसात की बहारें की दुराई करेंगे। इससे पहले मैंने आपको नज़्म नंबर 3 बरसात की बहारें पढ़ा दिया था। बेटा आज आपने बहुत अच्छी तरह से इसके मफहूम को दोबारा समझना है, इसके मानी, इसके मफहूम, रेफरेंस और तशरीह को आपने अच्छी तरह से याद करना है। कोई से भी दो रेफरेंस अच्छी तरह से याद कर लें जो आप हर शेर में इस्तेमाल कर सकें। इससे ज़्यादा रेफरेंस, दो या तीन रेफरेंस जो हैं वो आपने अच्छी तरह याद करने हैं, इससे जायद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके तमाम सवाल जो आप एमसीक्यू आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं, जो नहीं लिखे हुए मैं बुक पे अभी आपको करवा दूंगी, आपने अच्छे तरीके से इनको कर लेना है आज। बेटा नज़ीर अकबर आबादी एक अवामी शायर थे और इन्होंने तवील अखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। नज़ीर की जुबान आम फहम सादा है। ये अपनी नज़म के मौजूआत अपने इर्द गिर्द से लेते थे। बरसात की बहारें हैयत के एतबार से मुहम्मस है, हैयत यानी कि बनावट के एतबार से। बेटा बरसात की बहारें हैयत के एतबार से मुखम्मस है, मुखम्मस ऐसी नज्म को कहते हैं जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों। इस नज्म के हर बंद में 5 मिसरे हों, हैं इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लेलाहट बागात की बहारें। इसका मफहूम शेर नंबर 1, इस आपको पेपर में ये एक एक करके शेर आएगा, पूरा बंद नहीं आएगा। आपने एक एक करके इसके मफहूम लिखने हैं अपने पास। नोट्स में शेर नंबर 3 और 5 का मफहूम नहीं लिखा हुआ, मैं अभी आपको लिखवा दूंगी, आपने साथ ही लिख लेना है ताकि आपको याद रहे और आपने नोट्स में करेक्शन कर लेनी है, वहां पे दुरुस्त करके लिख लेना है। शेर नंबर 1 मफहूम, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, हर सिमत बरसात की बहारें हैं, खेतों में शदाबी और हरियाली है, बूंदों की जमजमाहट कतरात की बहारें, बूंदें कतरे कतरात कतरे की जमा जमजमाहट चमकना, हर बात के तमाशे हर गात की बहारें, गात अंदाज मौका, तमाशे दिलचस्प और हसीन मनाजिर। मफहूम, पानी की बूंदें सब्जे पर चमक दमक दिखा रही हैं, हर तरफ खेल तमाशों से रौनक है और बरसात की बहारों की धूमें मची हुई हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, ये जो मिसरा है ये हर बंद में एक जैसा आ रहा है, यानी कि इसके इस नज्म के जितने भी बंद हैं तो आखिरी मिसरा यही है, बार बार एक जैसा मिसरा दोहराया जा रहा है, ऐसे मिसरे को टीप का मिसरा कहते हैं।
हर बंद में आखिर में आने वाला मिसरा एक जैसा है, जिस बंद में भी एक जैसा मिसरा दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहते हैं। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धुमे मचा रहे हैं। बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धुमे मचा रहे हैं। मस्त मसरूर खुश नशे में चूर, झड़ी लगातार बारिश, मस्ती बेखुद होना, धुमे मचाना, शोर करना। इसका मफहूम बेटा आप लिखें, या आपके नोट्स में इसका मफहूम गलत लिखा हुआ है, बाद में वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, अभी यहाँ बुक पे ही लिख लें। बादल हवा के दोष पर सवार होकर आ रहे हैं, बादल हवा के दोष पर सवार होकर आ रहे हैं और मस्ती के आलम में बरस रहे हैं, और मस्ती के आलम में बरस रहे हैं। झड़ी लगी हुई है, झड़ी लगी हुई है, बादल हवा के दोष पर सवार होकर आ रहे हैं और मस्ती के आलम में बरस रहे हैं, झड़ी लगी हुई है। बेटा ये इसका मफहूम है, ये आपके नोट्स में गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट शेर पढ़ते हैं। पानी हर जा हर जा हर जगह जल थल बना रहे हैं, जल थल पानी पानी होना, हर जगह पानी पानी होना, जल थल हर जगह पानी पानी होना। गुलजार बाग बागात, गुलजार भीगते हैं सब्जे नहा रहे हैं। मफहूम, हर तरफ बारिश के पानी ने जल थल कर रखा है, बागों में सब्जे इस बारिश से नहा रहे हैं। क्या क्या मची हैं यारों बरसात की बहारें, और बरसात की बहारों की धुमे मची हुई हैं। ये शेर भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जब बारिश बरसात के मौसम में जब बारिश बरसती है तो बहुत शदीद होती है, और इसकी वजह से हर तरफ पानी पानी नजर आता है, तमाम घड़े हर जगह पानी पानी नजर आता है। गलियां हो या बाजार, घर हो या बागात, सब पानी से भर जाते हैं। तो शायर ने इसके लिए जल थल का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जमीन का गोशा गोशा पानी के कतरों से भर जाता है, हर तरफ पानी पानी हो जाता है, गलियां बाजार बगीचे मकानात खेत सब में पानी पानी हो जाता है। हर जा बिछा रहा है सब्जा हरे बिछोने, हर जा हर जगह, हर जा हर जगह, बिछोने बिस्तर, बिछोने बिस्तर, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने। कुदरत मुराद अल्लाह ताला की ताकत। कि जमीन के इसका मफहूम बेटा वहां पे आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ इस शेर का भी, शेर नंबर 3 का और शेर नंबर 5 का मफहूम आपके नोट्स में, शेर नंबर 3 का तो गलत लिखा हुआ है वो आपने काट के दुरुस्त कर लेना है, और शेर नंबर 5 का लिखा ही नहीं हुआ तो आपने वहां पे मफहूम लिख लेना है। अभी आप अपनी बुक पे ही लिख लें। जमीन के हर एक जरे पर कुदरत ने हरे हरे बिस्तर बिछा दिए हैं, जमीन के हर एक जरे पर कुदरत ने हरे हरे बिस्तर बिछा दिए हैं, गोया जमीन हरी भरी हो गई है, गोया जमीन हरी भरी हो गई है। इस शेर में शायर बड़े खूबसूरत अंदाज में बरसात की बारिश और हर तरफ हरियाली का जिक्र किया है कि बरसात के मौसम में जैसे ही बारिश होती है तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा हो जाता है, यूं लगता है कि जैसे कुदरत ने सब्जे की चादर बिछा दी हो, जिस तरफ भी निगाह उठाओ सब्जा ही सब्जा दिखाई देता है, ये सब्जा कुदरत का इनाम है, इसे देखकर आंखों को ठंडक मिलती है। अल्लाह ताला ही है जो आसमान से बारिश बरसाता है और बंजर जमीन को सैराब कर देता है, ये कुदरत का खेल है और ताजगी का ये समा अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पैदा किया है। जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हक ने क्या क्या हरे बिछोने, हक ने मुराद अल्लाह ताला ने। मफहूम, जंगल जहाँ झाड़ियां ही झाड़ियां होती हैं वहां पे भी
सब्जे के बिस्तर बिछ गए हैं, कुदरत ने हर जगह सरसब्ज बिस्तर बिछा दिए हैं। नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि मैदान तो मैदान, जंगलों में भी सरसब्ज बिछोने बिछ गए हैं। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है और कुदरत ही ऐसा काम कर सकती है। बरसात के पानी ने हर चीज निखार दी है, जहां तक नजर जाती है हर तरफ पानी पानी नजर आता है, हरियाली हरियाली नजर आती है। और अल्लाह ताला पर ये सब देखकर हमारा ईमान कामिल और मजबूत हो जाता है कि उसने हमें किस कदर खूबसूरतियों से नवाजा है। ये बारिश अल्लाह ताला की नेमत है जो हर जानदार को ताजगी बख्शती है। सहरा हो या मैदान, जंगल, बरसात, सबके लिए रहमत बनकर आता है, हर तरफ रंग ही रंग बिखेर देती है। सब्जों की लेलाहट कुछ अबर की स्याही, और छा रही हैं गिटाएं सुर्ख और सफेद काई। सब्जों की लेलाहट, लेलाहट सब्जों का हवा से हिलना, कुछ अबर की स्याही, अबर काले बादल, अबर की स्याही काले बादल, और छा रही हैं गिटाएं सुर्ख और सफेद काई। काही सब्जी माइल स्याही, सब्जी माइल स्याही। मफहूम, दूर दूर तक सब्जा हवा चलने से लहलाता और झूमता नजर आता है। काले काले बादल आसमान पर छाए हुए हैं और आसमान पर सुर्ख और सफेद घटाएं छा रही हैं। नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि बरसात ने बड़ा खुशगवार समा पैदा कर दिया है, दूर दूर तक हवा के चलने से सब्जा लहलाता हुआ नजर आता है, आसमान पर सुर्ख और सफेद और हल्की सब्जे माइल घटाएं छाई हुई है, मुसलसल बारिश हो रही है, और दरख्त और पौधे हिलते हुए नजर आते हैं, और आसमान पर रंग बिरंगे बादल, सफेद काले बादल, और इनका मंजर देखने के काबिल है। ये खूबसूरत समा है और बरसात के मौसम में पल पल रंग बदलता आसमान नहायत भला मालूम होता है। सब भीगते हैं घर घर लेमा ताबा माही, लेमा ताबा माही, मा ताबा माही मुराद तमाम दुनिया, यानी चांद से लेकर समुंदर में मछली तक, माही मछली को कहते हैं, माँ चांद को कहते हैं। इस पूरे का मानी आप लिखेंगे आसमान से लेकर समुंदर में मछली तक। ये रंग अंदाज कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, कि अल्लाह ताला इस शेर में शायर कहते हैं कि बरसात की मुसलसल बारिश से हर चीज भीग जाती है, घर की हर चीज कुदरत की रंगीनियों से भर जाती है। शायर कहते हैं कि इस शेर में नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि कुदरत की खूबसूरती और बारिश मौसम बरसात में एक खूबसूरत मंजर पेश हो रहा होता है, और मुसलसल बारिश हो रही होती है जिसके बायस तमाम इंसान, चिरिंद परिंद, दुनिया की हर शय भीग रही होती है, दुनिया की हर शय बरसात का लुत्फ उठा रही होती है। आसमान पर रंग बिरंगे बादल छाए होते हैं, कुदरत ने आसमान पर अजब खेल मचा रखा होता है, और ये अंदाज और ये रंग सिर्फ अल्लाह ताला तू ही पेश कर सकता है, तेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता है। ऐसी रंगीनियां और खूबसूरतियां अल्लाह ताला के सिवा और कौन दिखा सकता है। ये इसी की कुदरत है कि इसने बारिश बरसाकर मुर्दा जमीन में जान डाल दी, जगह जगह सब्जा उगाया। सिर्फ खुदा की जात जमीनों और आसमानों में तब्दीलियां पैदा कर सकती है। गिटाओं का आना, आसमान से पानी का बरसना, ये सिर्फ अल्लाह ताला के अख्तियार में है, इसके सिवा और कोई काम ये नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह ही की जात है जो इसे करिश्मे दिखा सकती है। क्या क्या रखें यार अब सामान तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, आन लमे रंग अंदाज कुदरत अल्लाह ताला की ताकत। मफहूम, यार अब तूने इंसानों के लिए क्या क्या सामान पैदा कर रखे हैं, बरसात के मौसम में तेरी कुदरत की रंगीनियां पल पल में बदलते रंग देखने को मिलते हैं। इस शेर में
शायर अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह जो इतनी ताकत और कुदरत रखता है जमीनों और आसमानों के निजाम में जब चाहे तब्दीली कर सकता है, उसके लिए अल्लाह ताला तूने क्या क्या सामान पैदा किए हैं, ए अल्लाह तूने इस दुनिया में हमारे लिए क्या कुछ नहीं बनाया, तू हर चीज पर कादर है। तेरी कुदरत के कितने ही रंग और कितने ही अंदाज हैं जो हर लम्हे रंग बदल बदल कर हमें नजर आते हैं। तेरी कुदरत की निशानियां और नेमतें हमारे एदाद शुमार से बाहर हैं। मौसम बरसात के मनाजर दिल फरेब होते हैं, हर चीज पर निखार होता है, हर शय तरोताजा लग रही होती है, हर आन बदलता मौसम अल्लाह ताला का खास अतिया है और अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे देखकर इंसान दंग रह जाता है। अल्लाह ताला ने ये मौसम और ये नेमतें इंसान के लिए पैदा की हैं, ये सब अल्लाह ताला का करम है। अगला शेर है बेटा, सब मस्त हो रहे हैं, मस्त बेखुद खुश, पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुभान तेरी कुदरत। अल्लाह ताला की कुदरत देखकर हर जीरो बेखुद हो रही है, इंसान तो इंसान, चिरिंद परिंद भी तेरी हमदो सना बयान करते हैं, तीतर तेरी तारीफ सुभान तेरी कुदरत कहकर बयान करते हैं। नजीर अकबर आबादी इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत और अजमत की तारीफ कर रहे हैं, कहते हैं कि अल्लाह तेरी कुदरत देखकर जहां वाले मस्त और मसरूर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तेरी कुदरत की निशानियां देखकर इंसान तो इंसान, खुश आवाज परिंदे और खुश रंग तीतर भी तेरी सना में मसरूफ हैं। इनकी जुबान पर भी सुभान तेरी कुदरत होता है, वो भी तेरी पाकीजगी और अजमत बयान कर रहे हैं। मौसम बरसात में कुदरत के ये अनोखे रंग देखकर कोई दंग रह जाता है, इंसान चिरिंद परिंद सब अल्लाह की कुदरत को देखकर झूम रहे होते हैं, तमाम इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, यहाँ तक के परिंदे भी इन नेमतों पर अल्लाह ताला की तारीफ और सना में मगन होते हैं। अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। बेटा नजीर अकबर आबादी एक अवामी शायर हैं और इस शेर में ये जितनी जो नज्म है बरसात की बहारें, बरसात का मौसम सब के लिए होता है, इसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, इसीलिए उन्हें अवामी शायर यानी आम लोगों का शायर कहा गया है, उनके मौजूआत भी आम लोगों से ताल्लुक रखते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देखें बेटा, पहले बंद में कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं, पहले बंद में कौन से काफिये इस्तेमाल हुए हैं, काफिये हम आवाज अल्फाज को कहते हैं बेटा। अब आप पहला शेर देखेंगे, पहला बंद देखेंगे तो आपको नजर आएंगे बरसात, बागात, कतरात, घात। तीसरे बंद में मौजूद रतीफ की निशानदेही करें, तीसरे बंद को देखें, तीसरे बंद में आप बेटा देखेंगे कि हरे बिछोने, रदीफ आखिर में आने वाले एक जैसे अल्फाज को कहते हैं, रदीफ हर शेर के आखिर में आने वाले एक जैसे अल्फाज को कहते हैं। चौथे बंद में कौन सा लफ्ज बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है, कोई नहीं। तीतर अल्लाह ताला की अजमत कैसे बयान करते हैं, सुभान तेरी कुदरत कहकर, तीतर अल्लाह ताला की अजमत कैसे बयान करते हैं, सुभान तेरी कुदरत कहकर। गुलजार के भीगने और सब्जे के नहाने से क्या मुराद है, गुलजार के भीगने और सब्जे के नहाने से मुराद यह है कि बारिश से बागात में उगा हुआ सब्जा धुल जाता है, गुलजार के भीगने और सब्जे के नहाने से मुराद यह है कि बारिश से बागात में उगा हुआ सब्जा धुल जाता है। ये क्वेश्चन जो है, कुदरत के बिछरे हर जा हरे बिछोने से शायर की क्या मुराद है, क्वेश्चन नंबर थ्री, कुदरत के बिछरे हर जा हरे बिछोने से शायर की मुराद है कि बारिश के बायस हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है, कि बारिश के बायस हर जगह हरियाली हरियाली दिखाई देती है, ऐसा मालूम होता है कुदरत ने सब्जे के बिछोने यानी बिस्तर बिछा दिए हैं।
ऐसा लगता है कि कुदरत ने सब्जे के बिछौने यानी बिस्तर बिछा दिए हैं। इसके बाद बेटा एराब है, उसके बाद नीचे मुजक्कर और मोनस अलग अलग करने हैं आपने। इसमें से मैं मुजक्कर अल्फाज आपको मार्क करवा देती हूँ, बाकी जो रह जाएंगे वो मोनस हैं। बादल, बादल, सब्जा, गुलजार, गुलजार, रंग, तीतर, ये मुजक्कर अल्फाज हैं, बाकी जो रह गए वो मोनस हैं। कॉलम मैचिंग बेटा करें, सब्जा, लेलाहट, बूंदे, झिमझिमाहट, बादल, मस्त, पानी, जल थल, पानी, जल थल, हरे, बिछोने, हरे, बिछोने, तीतर, सुभान, मा, माही, अबर, स्याही, अबर, स्याही। इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 को देखें कि जिस नज्म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहते हैं। इसको अंडरलाइन करें इस पूरी लाइन को और इसके ऊपर आप लिख दें एमसीक्यू। जिस नज्म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टीप का मिसरा कहते हैं। इस नज्म का आपने मरकजी ख्याल और खुलासा अच्छी तरह याद करना है, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करने इसकी जरूरत नहीं है। तशबिया, किसी चीज को किसी खास खूबी की वजह से दूसरी चीज की मानद या उस जैसा करार देना तशबिया कहलाता है। इतनी लाइन आपने अंडरलाइन करनी है, पहली लाइन तशबिया कहलाता है तक। किसी चीज को किसी खास खूबी या वस की वजह से किसी दूसरी चीज की मानद या उस जैसा करार देना तशबिया कहलाता है। बेटा इसको इतना अंडरलाइन करें, इसके ऊपर लिख दें एमसीक्यू। तशबिया की आपको इस तरह से समझ होनी चाहिए, इसकी ये मिसालें दी गई हैं कि इसके दांत मोतियों की तरह सफेद हैं। यहाँ पे दांतों को मोतियों से तशबिया दी गई है, इसके दांत मोतियों की तरह सफेद हैं। यहाँ पे दांतों को किससे तशबिया दी गई है, मोतियों से। इसके लब फूल की तरह नाजुक हैं, लब होंठ यानी होंठों को फूल की तरह नाजुक कहा गया है। इसका दिल पत्थर की तरह साख्त है, दिल को पत्थर से तशबिया दी गई है, साख्त दिल को पत्थर से तशबिया दी गई है। इसका कद सरू की तरह लंबा है, कद को सरू एक दरख्त होता है जो खूबसूरत लंबा सा होता है, उससे तशबिया दी गई है। इसका कद सरू की तरह लंबा है, वो लूमड़ी की तरह चलाक है, यानी कि यहाँ पर उसकी चलाकी को लूमड़ी से तशबिया दी गई है कि वो लूमड़ी की तरह चलाक है। ये आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है, इसके आगे जो मजीद तफसील यहाँ पे लिखी हुई है आप इसको वैसे ही एक दफा पढ़ लें। अब आपको समझ होनी चाहिए कि किसी एक चीज को दूसरी चीज से तशबिया देना, उस जैसा करार देना क्या कहलाता है, तशबिया कहलाता है। मुखम्मस कैसी नज्म को कहते हैं, जिसके हर बंद में पांच मिसरे हों। पांच मिसरों वाले बंद को मुखम्मस कहते हैं। ये मुखम्मस का लफ्ज लिखा हुआ है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो बरसात की बहारें जो है ये मुखम्मस है। बेटा ये सारी नज्म आपने अच्छी तरह पढ़ ली, अब इसके मफहूम, मरकजी ख्याल, रेफरेंस। रेफरेंस मैंने जैसे आपको समझाया है कि दो तीन रेफरेंस जो है वो आप अच्छी तरह याद कर लें, जो आप अच्छी तरह से हर एक शेर में इस्तेमाल कर सकें। और खुलासा आपने अच्छी तरह याद करना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए आपने सिर्फ रेफरेंस और मफहूम लिखने हैं, इसके अलावा आपने तशरीह सिर्फ 2 से 3 मरतबा पढ़नी है ताकि अच्छी तरह से आप उसको समझ सकें। इसके अलावा बेटा और कोई मसला मसाइल अगर आप लोगों को हो तो आप जरूर पूछें।